खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे जैसे यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे दिक्कतें और परेशानियां भी बढ़ रही है। इस वक्त हम निगम बोध घाट शमशान घाट में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि पानी अब शमशान घाट के अंदर तक पहुंच चुका है और लबालब पानी यहां पर भरा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया है वो अब अपना रूप दिखाने लगा है और बताया जा रहा है कि खतरे के निशान से ऊपर तो यमुना बह ही रही है, साथ ही साथ 207 मीटर तक ये खतरे के निशान को पार कर सकती है और पानी इसी तरीके से जितने भी निचले इलाके हैं वहाँ तो पहुँच ही रहा है और अब जो पानी है वो यहाँ पर शमशान घाट में पहुँच गया है। जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनसे बात करते हैं, ये पानी कब पहुँचा है यहाँ पर? ये भैया कल सुबह से ही बढ़ना शुरू हो गया था और लगातार बढ़ ही रहा है जब से पानी, और अभी और बढ़ने की संभावना है पानी की। ये जो बाहर शेड लगी हुई है कि यहाँ पर भी चिताएं जला जाती हैं? जी हाँ, ये चिताएं यहाँ पे बॉडी को संस्कार किया जाता है और कल सुबह सुबह में यहाँ संस्कार हुए थे और कल सुबह के बाद में यहाँ संस्कार होने बंद हो गए क्योंकि पानी लगातार बढ़े जा रहा है और अभी बढ़ ही रहा है पानी। कैमरामैन वरुण आपको दिखाएंगे यहाँ से कि ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो जगह है यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है, यहाँ पर चिताएं जलती हैं, लेकिन अब पानी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आप देख सकते हैं नीचे जो यहाँ पर बेंच रखे हुए हैं, अगर वरुण बेंच आपको दिखा सकें, ये देखिए नीचे जो बेंच रखे हुए हैं वो भी पानी के अंदर डूब गए हैं और पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। संभावनाएँ जताई जा रही हैं कि जो ये पानी का लेवल है और ज़्यादा बढ़ेगा जिससे लोगों को दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि प्रशासन का दावा है कि वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। कैमरामैन वरुण कुमार के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।